हेलो फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ दी अथॉरिटी पावर एंड पॉलिटिक्स के अंदर जो हमारा फोकस रहेगा डैट विल बी ऑन अथॉरिटी। अथॉरिटी का अर्थ क्या होता है, उसकी सोर्सेज क्या हैं, काइंड्स क्या हैं, वो सारी चीज़ों को जो है हम स्टडी करेंगे। और सबसे पहले ये जो टॉपिक है ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अंदर भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर अथॉरिटी से भी क्वेश्चन आ चुका है, पावर के अंदर भी क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पे आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम अथॉरिटी के ऊपर फोकस रहेंगे। और अब पहले हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, देखो उसके अंदर दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक फॉर्मल होती है एक इनफॉर्मल होती है। तो जब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर ये जो रिलेशनशिप है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे, अथॉरिटी के बेसिस पे, अकाउंटेबिलिटी के बेसिस पे पहले से मैनेजमेंट जो है प्री डिटर्मिन करके रखती है। तो नेचुरली देखो बेसिकली क्या होता है कि देखो जब सुपीरियर जो है सबॉर्डिनेट को कोई काम असाइन करता है तो सबॉर्डिनेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस काम को ख़त्म करे। और नेचुरली जब वो उसको काम असाइन करता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है तो उसी के साथ उसको अथॉरिटी भी देती है। तो वो अपने काम के लिए क्या होता है कि अपने सुपीरियर को अकाउंटेबल भी होता है। तो अब हम डेप्थ के अंदर देखते हैं कि अथॉरिटी का अर्थ क्या होता है। अथॉरिटी का अर्थ होता है कि हम दूसरों को ऑर्डर दे सकते हैं, और नेचुरली हमारे पास वो अथॉरिटी है, हम दूसरों को ऑर्डर देते हैं, और हम ये हमारे पास पावर है कि जो दूसरे लोग हैं वो हमारे कहना मानते हैं। अथॉरिटी इज़ द राइट टू गिव ऑर्डर एंड पावर टू एग्जैक्ट ओबीडियंस, कि जैसा हमने कहा है वैसा ही उसको करना पड़ेगा। अथॉरिटी जो है देखो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारी पोजीशन होती है, और उस पोजीशन की वजह से क्या होता है कि सर्टन राइट्स जो हैं मिलते हैं, और इन राइट्स के बेसिस पे क्या होता है कि हम डिसीजन ले सकते हैं अपने सबॉर्डिनेट से हैं, उसकी एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। जैसे मान लो जो ए जो है प्रोडक्शन मैनेजर है, तो नेचुरली उसके पास अथॉरिटी है कि वो अपने सबॉर्डिनेट को कह सकता है कि इतने यूनिट्स आज आपने मैन्युफैक्चर करने हैं। तो जैसे हम किसी क्लास को टीच करते हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट मिलता है, तो हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको कह सकते हैं कि इसकी असाइनमेंट बनाओ। तो अथॉरिटी जो है नेचुरली वो पोजीशन जो हमारे पास है उसकी वजह से हमें राइट मिलता है कि हम अपने सबॉर्डिनेट से जो है काम ले सकते हैं, उनको ऑर्डर दे सकते हैं। और देखो जो लुईस ए एलन है उन्होंने अथॉरिटी को कहा कि सम ऑफ द पावर एंड राइट्स, भी टोटल जितने पावर और राइट्स जो हैं एक पोजीशन में मिलती हैं ताकि जो काम उसने दिया है उसको वो करवा सके। और यहाँ पे देखो जो अथॉरिटी है उन्होंने कहा एक अथॉरिटी ऑफ नॉलेज होती है, एक अथॉरिटी ऑफ पोजीशन होती है। अथॉरिटी ऑफ नॉलेज जो होती है नेचुरली यहाँ पे जो हमारे पास अथॉरिटी ऑफ नॉलेज है वो इस वजह से होती है क्योंकि लोगों के पास कई बार क्या होता है कि जैसे हमें काम करना आता होता है तो नेचुरली उसके पास बंदा जो है जाके पूछता है। तो यहाँ पे सेकंड जो है अथॉरिटी ऑफ पोजीशन के हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पोजीशन क्या है, तो पोजीशन के हिसाब से क्या होता है कि हमें वो अथॉरिटी मिलती है। लीगल अथॉरिटी होती है कि जो लॉ प्रोवाइड करता है, जैसे कंपनी जो है एक लीगल पर्सन है और उसके पास ये राइट है कि वो दूसरों को स्यू कर सकती है कंपनी एक्ट के अंदर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो अथॉरिटी है ये पोजीशन के साथ कंसर्न होती है। और अब हम देखते हैं कि व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ अथॉरिटी। देखो अथॉरिटी की जब भी हम बात करते हैं तो इसका होता है कि हम दूसरों को ऑर्डर देते हैं, राइट टू गिव ऑर्डर्स। सुपीरियर जो है सबॉर्डिनेट को कमांड करता है कि आपने ये काम करना है, और यहाँ पे ये होता है कि जैसा उसने कहा है वैसे इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करना है। और ये उस पोजीशन की वजह से क्या होता है कि जो राइट्स उसको मिलते हैं। अथॉरिटी जो है पोजीशन को दी जाती है और ये लीगली होती है और लेजिटिमेट होती है, क्योंकि जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास पोजीशन होती है तो उस पोजीशन के अंदर हमारे पास पावर होती है कि हम दूसरों को काम दे सकते हैं। और ये जो है अनलिमिटेड अथॉरिटी नहीं होती, तो यहाँ पे भी क्या होता है कि एक्सटेंट और लिमिट जो होती है उसकी डिफाइंड होती है। अथॉरिटी जो है पर्सुएशन के अंदर हम दूसरों को कन्विंस करते हैं या किसी को सजेशन देते हैं, तो नेचुरली अथॉरिटी जो है डेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम पर्सुएशन, क्योंकि अथॉरिटी का अर्थ जो होता है कमांड करना होता है, ऑर्डर देना होता है, और यहाँ पे जो होता है कि टोटल जो हमारा सबॉर्डिनेट है वो उसको पूरा अबे करे। अबे का मतलब होता है माने। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ दी पर्पस ऑफ अथॉरिटी। देखो जो अथॉरिटी है नेचुरली हम अपने सबॉर्डिनेट, हमारे पास पोजीशन है, हम उसको
कमांड कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, नेचुरली उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है कि जैसा हमने कहा है वो वैसे ही काम करे, तभी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव जो हैं अचीव हो सकते हैं। और यहाँ पे जो सुपीरियर है देखो वो कमांड करता है, ऑर्डर करता है और नेचुरली एक्सपेक्ट भी करता है कि जो उसका सबॉर्डिनेट है उसके ऑर्डर को मानेगा, और जो सबॉर्डिनेट है कि वो भी जो है अपनी इच्छा से उस कमांड को फॉलो करता है। और नेचुरली यहाँ पे क्या होता है कि देखो कई बार जो सबॉर्डिनेट है अगर वो गलत काम करता है तो उसको पनिशमेंट मिलती है नेचुरली, उसको तभी वो मानता है ना कहना। और अगर उसको लगता है कि अगर मैं काम जैसा बॉस ने कहा है तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। अब हम देखते हैं कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का आपस में क्या रिलेशनशिप है। देखो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट के रिलेशनशिप से आती है। अब जो सुपीरियर है देखो उसके पास अथॉरिटी है तो वो जो है सबॉर्डिनेट से स्पेसिफाइड सर्विसेज जो है रिक्वायर कर सकते हैं। अथॉरिटी जो है सुपीरियर से सबॉर्डिनेट के पास जो है जाती है, डेलीगेट करती है जब ड्यूटी जो है सबॉर्डिनेट को, वो कहता है कि ये काम करो, बाज़ार से जो है आपने इतने यूनिट्स मंगवाने हैं या इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, तो नेचुरली उसके पास, अब जैसे प्रोडक्शन मैनेजर जो है सबॉर्डिनेट को ऑर्डर देता है कि आज 100 यूनिट्स रेडी हो जाना चाहिए, तो नेचुरली सबॉर्डिनेट के पास क्या अथॉरिटी भी होनी चाहिए कि वो उन चीज़ों को जो है परचेज़ कर सके। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जब सुपीरियर जो है अपना जो सबॉर्डिनेट है उसको काम जो है देता है तो उसी के इक्वल जो है उसको अथॉरिटी भी डेलीगेट करनी पड़ती है। तो नेचुरली यहाँ पे जो डेलीगेट कर रहा है उसको दूसरे को बताना पड़ेगा सबॉर्डिनेट को कि मैंने आपको कौन सा काम दिया है, उसके साथ आपको कौन सी अथॉरिटी जो है मिली है। अब देखो अथॉरिटी जो है डेरिवेटिव ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम किसी को जिम्मेवारी देते हैं तो उसके साथ हमें अथॉरिटी भी देनी पड़ती है क्योंकि सबॉर्डिनेट आगे अपने सबॉर्डिनेट से काम ले सके। इट इज़ द राइट टू डू सर्टेन थिंग्स, इट इज़ द राइट टू ऑर्डर और कमांड इज डेलीगेटेड फ्रॉम द सुपीरियर टू द सबॉर्डिनेट टू डिस्चार्ज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो यहाँ पे अथॉरिटी जो है सबॉर्डिनेट को वो ट्रांसफ़र करता है और जो है नेचुरली सुपीरियर को बताना पड़ेगा कि मैंने तुझे किस तरह की अथॉरिटी दी है। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उतनी ही अथॉरिटी होनी चाहिए। और यहाँ पे जब हम अथॉरिटी की बात करते हैं तो अनलिमिटेड अथॉरिटी नहीं होती, तो नेचुरली हमें देखना पड़ता है कि कौन से काम जो है हम अपने सबॉर्डिनेट को कह सकते हैं, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का दायरा है उसी के अंदर रह के ही हम जो है उसको जो है ऑर्डर दे सकते हैं। ये नहीं है कि हमारे पास अनलिमिटेड अथॉरिटी आ जाती है। और उसी तरह हम अकाउंटेबिलिटी देखते हैं कि नेचुरली जब हम अपने सबॉर्डिनेट को काम देते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस काम को वो ख़त्म करे, तो अपने सुपीरियर को उस काम के प्रति अकाउंटेबल होता है। और यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी के अंदर क्या है कि स्टैंडर्ड क्या है कि जो हमने काम दिया उसे सही ढंग से ख़त्म किया है या नहीं ख़त्म किया है। अकाउंटेबिलिटी जो है बेसिकली ऑब्लिगेशन होती है कि जो जिम्मेवारी दी है उसको उसी तरीके से करना है। और नेचुरली जो हमारी अथॉरिटी है, जो हमें सुपीरियर ने कहा कि इस पैरामीटर्स के अंदर हमने अथॉरिटी को एक्सरसाइज करना है, तो उन्हीं पैरामीटर्स के अंदर ही जो है हमें उसको करना चाहिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो काइंड्स ऑफ अथॉरिटी है, रैशनल लीगल अथॉरिटी है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी है, क्रिस्मैटिक अथॉरिटी है। जब हम रैशनल लीगल अथॉरिटी की बात करते हैं तो ये जो लीगल अथॉरिटी हमारे पास आती है, जो इस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, पॉलिसीज़ हैं, प्रैक्टिसेस हैं, जो नॉर्म्स हैं, ये वहाँ से हमारे पास लीगल अथॉरिटी आती है। रैशनल का मतलब होता है लॉजिकली लीगल अथॉरिटी, जो हमें पोजीशन की वजह से मिलती है। और नेचुरली यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास पोजीशन है तो जो लोग हमारे नीचे काम करते हैं उनको हमारी अथॉरिटी को मानना ही पड़ेगा। और यहाँ पे ये जो रैशनल लीगल अथॉरिटी है, यहाँ पे जो पोजीशन होती है कॉम्पिटेंसी के बेसिस पे फिल की जाती है। और वेबर की जो थ्योरी है वो लीगल अथॉरिटी को जो है, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं तो वहाँ पे वो ज़्यादा जो है उसको इम्पोर्टेंस देता है। अब हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल अथॉरिटी क्या होती है। अब नेचुरली यहाँ पे हम क्यों कहते हैं कि अगर हम किसी को ऑर्डर देंगे तो दूसरा बंदा उसको जो है फॉलो करेगा। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ट्रेडिशनल ये लोग मानते हैं कि हमारे पास अथॉरिटी इस वजह से होती है कि हम पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करते हैं, या जैसे राजे महाराजा की फैमिली को बिलोंग करते हैं तो लोग हमारा कहना मानेंगे। यहाँ पे जो ट्रेडिशन है वहाँ से अथॉरिटी ड्राइव होती है, कॉम्पिटेंस के बेसिस पे ड्राइव नहीं होती। और तीसरी तरह जो तीसरी टाइप है डेट इज़ दी क्रिस्मैटिक अथॉरिटी।
देखो क्रिस्मेटिक अथॉरिटी के अंदर क्या होता है कि जैसे जो लीडर हैं उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्पेशल पावर्स होती हैं जिसकी वजह से उनकी पर्सनालिटी बड़ी इम्प्रेसिव होती है, तो लोग जो है उनको फॉलो करते हैं। और नेचुरली ये जो क्रिस्मेटिक अथॉरिटी है ये रिलीजन एंड पॉलिटिक्स के अंदर जो है पाई जाती है। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे इंडिया के अंदर भी क्या है कि जैसे कोई रिलीजियस लीडर जो है वो काफ़ी इम्प्रेसिव है तो लोग जो है उसको फॉलो करते हैं, और यहाँ पे वो रैशनैलिटी को यूज़ नहीं करते। नेचुरली वो अपने इमोशन की वजह से जुड़े होते हैं, जैसे पॉलिटिक्स के अंदर भी। तो यहाँ पे ये जो क्रिस्मेटिक अथॉरिटी है इसको हम डेलीगेट नहीं कर सकते, क्योंकि नेचुरली ये बंदे की पर्सनैलिटी के साथ जुड़ी हुई होती है। अगर वो लीडर डिसअपेयर हो जाता है तो इसकी भी इम्पोर्टेंस जो है ख़त्म हो जाती है। अब हम देखते हैं कि वट आर दी वेरियस सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फॉर्मल अथॉरिटी है, एक्सेप्टेंस थ्योरी है, कॉम्पिटेंसी थ्योरी है। तो सबसे पहले हम फॉर्मल अथॉरिटी थ्योरी जो है उसको स्टडी करते हैं। देखो यहाँ पे जब हम फॉर्मल अथॉरिटी की बात करते हैं तो ये टॉप से जो है शुरू होती है और ऊपर से नीचे की तरफ जाती है। अगर हम एक कंपनी देखते हैं तो कंपनी के अंदर देखो जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ऑनर्स होते हैं, और वो कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसका जिम्मा जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है आगे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को डेलीगेट करता है, और चीफ एग्जीक्यूटिव जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स होते हैं उनको देता है, और डिफरेंट डिपार्टमेंट के जो हेड्स होते हैं उनके नीचे जो काम करते हैं उनको देते हैं। तो इस तरह से जो है ये जो अथॉरिटी है ये फॉर्मल अथॉरिटी होती है, और सबॉर्डिनेट को क्या है सुपीरियर की अथॉरिटी एक्सेप्ट करनी पड़ती है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके पास पोजीशन होती है। और देखो यहाँ पे क्या होता है कि मैनेजर जो है उतनी अथॉरिटी होती है जितनी उसको डेलीगेट की जाती है, तो हम ये नहीं कहते कि उसके पास अनलिमिटेड अथॉरिटी होती है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो बेसिकली फॉर्मल अथॉरिटी है ये सोशल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा भी क्या है डेलीगेट होती है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे देखो जैसे पब्लिक है, तो यहाँ पे देखो पब्लिक है तो उसके नॉर्म्स हैं, एटीट्यूड हैं। तो जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी हमारे वेरियस इंस्टीट्यूशंस हैं, तो जो पब्लिक के नॉर्म्स और एटीट्यूड है वो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। और उसी तरह जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक्ट्स एंड पब्लिक पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, और वो बिजनेस एंड मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। और उसी तरह जो इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आती हैं तो नेचुरली वो पब्लिक को मॉडिफाई करते हैं। तो सो ऑन, इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है ये। अब हम देखते हैं एक्सेप्टेंस थ्योरी क्या कहती है। देखो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अथॉरिटी इज़ द पावर विच इज़ एक्सेप्टेड बाय द अदर्स। देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे मैंने किसी को ऑर्डर दिया है तो क्या वो मेरा ऑर्डर एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। फॉर्मल अथॉरिटी देखो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है जब तक कि सबॉर्डिनेट हमारा कहना नहीं मानता। तो डिग्री ऑफ इफेक्टिव अथॉरिटी जो है वो डिपेंड करती है कि जो सबॉर्डिनेट है वो हमारा कहना कितना डिग्री तक मानने को तैयार है। नेचुरली देखो जो ऑर्डर है जो हमारा सबॉर्डिनेट उसको एक्सेप्ट करेगा वो डिपेंड करता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अगर ये काम मैं करती हूँ तो मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा, अगर मैं ये काम नहीं करती तो मुझे इसका नुकसान होगा। तो उस तरह से क्या होता है कि सबॉर्डिनेट जो है उसकी रिलेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देख के उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है। और बर्नार्ड ने ये कहा है कि सबॉर्डिनेट जो है उन्हीं ऑर्डर को एक्सेप्ट करता है जो उसको अच्छी तरह से समझ में आते हैं, और जो उसको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव और उसके पर्सनल इंटरेस्ट के साथ भी जो है मैच करते हैं। देखो जो वो देखो बहुत सारे जो ऑर्डर्स होते हैं वो फुली एक्सेप्टेबल होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अनएक्सेप्टेबल होते हैं, और अदर जो होते हैं पार्शली एक्सेप्टेबल होते हैं। तो बर्नार्ड कहता है कि सबॉर्डिनेट जो है किसी भी ऑर्डर को तभी एक्सेप्ट करता है अगर वह उसको अच्छी तरह से समझता है कि ये काम मुझे दिया है और उसको ये लगता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन के हित में है और मेरे भी इंटरेस्ट में है कि मैं इस काम को पूरा करूं। और उसी तरह हम देखते हैं कि जोन ऑफ डिफरेंस। देखो इसको बर्नार्ड ने जो है जोन ऑफ डिफरेंस भी कहा है कि यहाँ पे जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं तो उसकी स्पेसिफिक लिमिट्स होती हैं जिनके अंदर वो उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं एक्सेप्ट करता। तो ये जोन ऑफ डिफरेंस के अंदर नेचुरली देखो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर ये जोन ऑफ
ठीक है, यहाँ पे जो उसको पोजीशन की वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में है, जो काम उसको देगा वो मानेगा, बट जो काम इसके बाहर है तो वो हो सकता है कि उसको रिजेक्ट कर दे। तो इसको साइमन ने जो है ये वाला जो जोन ऑफ, इसको एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस भी कहा है। देखो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि नेचुरली सारे ऑर्डर जो होते हैं एक्सेप्टेबल नहीं होते। अगर आप अपने सबॉर्डिनेट को कहें कि मेरे घर में झाड़ू लगा के आ, तो नेचुरली वो रिफ्यूज़ करेगा, ठीक है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हम काम उसको कहते हैं और जो उसकी पोजीशन के साथ जुड़ा हुआ है वही कामों को वो करेगा, और जो काम उस लिमिट से बाहर है वो नहीं कर एक्सेप्ट करेगा। अब देखो जो मैनेजर है जब वो ऑर्डर देता है तो नेचुरली अब उसको नहीं पता कि मेरा ये ऑर्डर माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, जब तक कि सबॉर्डिनेट उसको मानता है या नहीं मानता है। तो यहाँ पे देखो जब भी हम इसकी बात करते हैं तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के ऊपर ज़्यादा है, जबकि हम ये नहीं देखते कि जैसे ट्रेड यूनियन का क्या रोल है इसके अंदर, जो ऑर्डर वो देता है उसके एक्सेप्टेबिलिटी या नहीं है, तो सोशल इंस्टीट्यूशन जो है किस तरह से उसको इम्पैक्ट करते हैं उसके बारे में ये साइलेंट है। और तीसरा जो है डैट इज़ दी कॉम्पिटेंसी थ्योरी। देखो ये पर्सनल कॉम्पिटेंसी के बेसिस पे ड्राइव की गई है, और विक ने कहा कि जो फॉर्मल अथॉरिटी है ये ऑर्गेनाइजेशन देती है, और टेक्निकल अथॉरिटी हमारे पास इस वजह से होती है कि पर्टिकुलर नॉलेज है, हम जानते हैं कि उस काम को कैसे करना है, और जो पर्सनल अथॉरिटी होती है सीनियोरिटी के बेसिस पे या पॉपुलैरिटी के बेसिस पे। तो यहाँ पर जब हम कॉम्पिटेंसी थ्योरी की बात करते हैं तो ये पोजिशन से नहीं होती, क्योंकि नेचुरली कई बार क्या होता है कि वहाँ पे जैसे कोई बंदा जो है वो बहुत ही नॉलेजेबल है, चाहे उसके पास पोजीशन नहीं है बट लोग उसके पास जाते हैं, उसकी एडवाइस लेते हैं और उसकी एडवाइस को फॉलो भी करते हैं, तो यहाँ पे वो जो एडवाइस दे रहा है कॉम्पिटेंसी के बेसिस पे दे रहा है। तो देखो जो फॉर्मल अथॉरिटी यहाँ पे कॉम्पिटेंस के बेसिस पे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो फॉर्मल अथॉरिटी है ये मैनेजरियल जॉब के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और जो एक्सेप्टेंस एंड कॉम्पिटेंसी अथॉरिटी है ये लीडरशिप के प्रोडक्ट्स हैं। कि किस तरह से क्या होता है कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं तो वो कितना एक्सेप्ट करता है, और अगर हमारे पास कॉम्पिटेंसी है तो लोग हमारे को कितना ओबे करते हैं। तो जो फॉर्मल अथॉरिटी है ये मैनेजर जॉब के लिए बेसिक एंड नेसेसरी है, एक्सेप्टेंस और कॉम्पिटेंसी जो है ये लीडरशिप के ऊपर बेस्ड है।